नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर नगरपालिका निगम एवं हम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। याद रखिए, अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हमारे पास एक ही इच्छा होनी चाहिए और वह मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। ऐसे ऊर्जावान देशभक्ति का जज्बा पैदा कर देने वाले विचार बेशक आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के ही हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प दिलाया है। इसी तारतम्य में जिले भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन किया गया। उन्हीं में से एक नगरपालिका निगम एवं हम फाउंडेशन भारत के संयुक्त तत्वाधान में ना सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन किया गया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान एक अनूठी पहल पेश करता है। बोस की जन्म जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदया, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय बंटी साहू जी, मंच पर उपस्थित हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिकांत चौधरी जी, हल्दुलकर जी, दादा रूपचंद राय जी, ठाकुर दौलत सिंह जी और हम फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री भाई सत्यन ठाकुर जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, जैसा आप जानते हैं कि आज 125वीं जन्म जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जा रही है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनको आज 125वीं जयंती पर मैं शत शत नमन करता हूँ। कृतज्ञ राष्ट्र और देश की आज़ादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। इस अवसर पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि नेताजी में वो गुण था, जब किसी लक्ष्य को वो तय कर लेते थे तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे और उसमें सफल होते थे। आज के समय में ये बातें न केवल हम लोगों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है और मैं उम्मीद करूँगा कि उनसे प्रेरणा लेकर के युवा अपना लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें और इतनी मेहनत करें, इतनी कठोर परिश्रम करें कि वो आगे बढ़ें। आज के इस अवसर पर नगर निगम कुछ योजनाएं शुरू करने जा रही है। माननीय महामहिम महोदया से उसका शुभारंभ किया जाएगा। हमने एक नई पहल की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो मूर्तियाँ स्थापित हैं नगर में, उनके लिए समितियाँ बनाई हैं ताकि साफ सफाई के लिए न केवल उनका निरीक्षण कर सके बल्कि हमारे लिए जो है वो इस तरह की सूचना भी दे सके और उनकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी ले सके। हम आज महामहिम महोदय के द्वारा एक डॉक्टर आपके वार्ड रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है वो किशोरी बालिकाओं और के उनके व्यक्तिगत स्वच्छता प्रबंधन के बारे में उनको जानकारी देंगी और इसके लिए जो है उनकी जांच भी की जाएगी और उन्हें जो सलाह होगी वो जो डॉक्टर होंगे वो उनको दिया जाएगा। महिलाओं की, जैसा कि गांधी जी का भी सिद्धांत था अंत्योदय और दीनदयाल उपाध्याय की भी परिकल्पना थी अंत्यज, समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए अदम साहस के प्रतीक और आजाद हिंद फौज और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे से पूरे देश को एक करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। देश में आजादी की अलग जगाने वाले और अंग्रेजों के दांतों तले चने दबाने वाले, ऐसे लोहे के चने उन्होंने अंग्रेजों को दबवाए, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में आज देश के करोड़ों लोग उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और उस समय जब आज़ादी की बात होती थी तो हमारे लोगों को दबाया जाता था, उन्हें हत्या तक की जाती थी। उनकी आवाज़ उठा करके और पूरे देश में एक क्रांति लाए और देश के करोड़ों लोगों को उन्होंने एक नारा दिया, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस नारे को लेकर के आगे बढ़े। और इस नारे को अगर आज अभी हम लोग उपयोग करते तो अपने आप में जोश और जुनून आ जाता है।
उस समय सोची इस नारे के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में क्या ऊर्जा रही होगी, मैं आज उन्हें नमन करता हूँ। मैं समस्त जिले वासियों को सुभाष जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई, उन्हें मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष के लिए विवेक बंटी साहू जी द्वारा जो समय दिया गया एवं अन्य अतिथियों द्वारा, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आज श्री सुभाष चंद्र जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें सभी हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया, सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया और उन सबको मेरी ओर से भी मैं उन्हें बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। यह वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है और ये देशवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज हम सुभाष चंद्र जयंती तो मनाते हैं लेकिन इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और भी ऐसे महान सरदारी रहे हैं जिनको याद कर किया जा रहा है, जो आज की युवा पीढ़ी जान सके कि इस देश में, इस प्रदेश में और अपने जिला स्तर पर ऐसे कौन से महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिसको लेकर आज युवा लोग जाने और उनकी स्मृति में ये कुछ उनका स्मारक भी बनाए और उनकी जयंती को भी रखें ताकि लोगों को इससे एक प्रेरणा मिलेगी। और आज मैं नगर निगम और हम फाउंडेशन के द्वारा जिन समाज सेवी संस्थाओं का सम्मान किया गया, उन भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, उन सबको भी मैं बहुत नमन करती हूँ, उन्हें बहुत शुभकामना देती हूँ। 26 जनवरी की शुभकामनाएं, अग्रिम 26 जनवरी को इस जिले वासियों को और प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।